फक्त समोर बघा इकडे साहेब समोर समोर सर इकडे मधुर साहेब मधुर साहेब समोर बघा समोर सर इकडे सर मधुर थँक यू सर समोर आहे समोर वन मोर सेंटर थैंक यू बिग सेलिब्रिटी एज अ बिग शोर मेकिंग द होल ऑफ बिग थैंक यू वेरी मच फॉर नहीं यार ऑफिस का फ्रेंड यार रिसेंट में सच में जाके आके जा रहा हूं 100% वेरी नाइस आपको बहुत मजा आएगा दिस इज वेरी एथनिक वेरी अच्छा लगे से मार अरे वाह प्योर सिल्वर गुड वर्क हां जी रोज वर्क रोज वर्क एंड सिल्वर मेरा भक्त हूँ तो गणेश जी का जो कार्विंग है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही उम्दा है और ज्वेलरी भी अच्छी है और गरुड़ा जी भी अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से पहली बार एक एथनिक राजस्थानी टच है इसमें और बहुत ही कमाल का है कहा जा सकता है कि यहाँ पे कलेक्टर्स जो भी कलेक्शंस कलेक्ट करते हैं कलेक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टोर माना जाता है ये तो आप किसी चीज़ के कलेक्टर हैं वेल मैं तो सच्ची बोलूँ तो मैं बहुत डीवीडी का कलेक्टर हूँ क्योंकि मैं डीवीडीज बहुत डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म जो होती है वो काफ़ी है और घर में जैसे गणेश जी है वो तो डेफिनेटली हम लोग रखते हैं और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है ज़्यादा मैंने कलेक्शन से ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग का शौक है किताबें पढ़ने का शौक है डीवीडी कलेक्ट करने का बहुत शौक है मेरे ख्याल से मेरे पास जितनी डॉक्यूमेंट्रीज है किसी के पास नहीं होगी जिस तरह की पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज है कमाल की तो वो सब चीजें हैं मेरे पास मधुर जी आखिरी दो सवाल मेरे अगर यहाँ से आपको कुछ कलेक्शन उठा के लेके जाने हो जो लेके जाने हो आपको खरीदना हो तो आप कौन सा कुछ लेके जाना है तो मैं डेफिनेटली गणेश जी मेरे ख्याल से वो उनका आशीर्वाद उनका प्यार हमेशा रहा है मेरे प्रति सिद्धिनायक चल के जाता हूँ मैं आज भी 17 साल से चल के जाता हूँ तो एक आस्था है तो गणेश जी डेफिनेटली मैं कहता हूँ जो भी हो मेरी पोजीशन है इंडस्ट्री में वो गणेश जी की कृपा है सर जी मैडम जी क्या तैयारी कर रहे हैं देखिए मैडम जी जो है अभी स्क्रिप्टिंग लेवल पे है बहुत जल्दी आपको उसके बारे में बताया जाएगा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उससे पहले और एक पिक्चर में शुरू करने के कगार पे आपको बता देंगे अभी स्क्रिप्टिंग चालू है जल्दी उसकी घोषणा करूंगा मैं फर्स्ट थिंग आई टेल यू के इट वॉज जस्ट वॉट आई फेल्ट इट आई डिड माई हार्ट फेल्ट इट विच आई डिड आई फेल्ट इट द होल कॉन्ट्रोवर्सी एंड द होल सिग्नेचर कैंपेन अगेन मिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अनकॉल्ड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज नो नो बडी हु केम विद अ प्रोपोगेंडा और एजेंडा इन द फिल्म इंडस्ट्री के ओके गो एंड वोट फॉर मोदी और गो एंड वोट फॉर बीजेपी नो बडी केम इंडस्ट्री इज अ वेरी सेक्युलर वेरी स्ट्रांग देयर इज लॉट ऑफ इंटीमेशन टूगेदरनेस इन द इंडस्ट्री एंड सडनली माई कलीग्स दे कम आउट विद अ मेमोरेंडम दे कम अप विद द सिग्नेचर कैंपेन के डोंट वोट फॉर द मोदी थिंग्स सो एंड दिस वोट फॉर अ सेक्युलर आई वुड लाइक टू नो कि हु आर द सेक्युलर पार्टी दे आर रेफरिंग टू बिकॉज आई जस्ट फेल्ट इट कि वन थिंग कि देर वॉज नथिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि देर वॉज सम पीपल इन द इंडस्ट्री हु वॉन्टेड कि प्रो मोदी कैंपेन एंड दे वुड टू से द इंडस्ट्री पीपल वोट फॉर मोदी इट वॉज नॉट लाइक दैट सो इफ देन आई अंडरस्टैंड द कैंपेन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो वुड हैव कम फॉर अ काउंटर But there was never such thing. So why all of a sudden this thing? And let the people decide. Let the film industry people decide. Let the industry know exactly whom they want to vote. Every industry people must be. They are pro Modi. They would be anti Modi. Everything it is like that. In every camp it is like that. And everybody and in country is like that. So let people go with this flow and let people vote for you. Why you wanted to break up this issue? Why you came with this signature campaign? Against this, ki don't vote for this party or this party. It's really uncalled. Are you supporting Modi? See, what I'm telling you here, I felt it the whole thing from so many days. See, I'm a very political person. I have relation across party lines, from Congress to BJP,
to MNS, to Shiv Sena, to NCP, everybody, my relations are very nice. Because I feel I am a creative filmmaker and people in the film industry, everybody like our work. It can, from all party people like my work, they appreciated my work. I got some fantastic national award for my movie. So I just felt it, this whole controversy came uncalled. And that's what the reason I came with this thing, ke if you try to divide Bollywood by these kind of memorandum and signature campaign, so definitely there would be some voices who will be pro-Modi, who will be coming support of it. So I just felt it, ke gone, I've been to Ahmedabad a lot of time. I know so many Muslim friends of mine, I know so many Muslim friends who are doing business in Ahmedabad, Surat and Baroda, whose business is flourishing, their turnover is superb. And they are all going to vote for Modi. So there is nothing wrong in it. If I keep my point of view, I just feel that the development is great over there. He has done a fab job. And I think that man deserves a chance about it. And that's how I'm like I said, I'm absolutely not belong to any political party. I don't have affiliation to any party. As for individual, yeah, I just felt it ki he has done a great job, which I've seen. It's not ki somebody tell me a fairy tale. I've seen over there in that city. And I feel he has done a good job. And it can be a nice thing. He has lot of in his manifesto, lot of things are there which is pro development, only pro development talking about. So I feel that we should all support, and I just came. Had it been not this campaign and wouldn't be from my colleagues, I would have still not said, because I never tweeted or never said anything like that, because like I said, I have friends across all political party, and I have attended so many political parties function, irrelevantly from which party they belong to. तो मधुर जी, आप लास्टली आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, यू नो, मोदी को चांस मिलना चाहिए? मैंने कहा आपको भी। अच्छा मधुर, अगर हम फिर से अगर हम कैलेंडर गर्ल्स की अगर बात करें, बात करेंगे ना फिर से यार। चलो थैंक यू। थैंक यू। Thank you.